पुलिस का आला अफसर भी था जिसने मुझे लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना किया। और सरकारों क्या हाल है? ठीक है, चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ सुनी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार कि आप मुसलमान हैं। तो ये आप देख लें, नियाजी कुत्ते, तुझे हमने इसलिए वोट दिया था मुनाफिक इमरान खान, नियाजी कुत्ते तुझे मैंने, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ लेकिन आज के बाद अगर मेरा बाप भी खड़ा हो जाए ना तो भी मैं वोट किसी को नहीं दूंगा। नियाजी दल्ले कुत्ते हरामी मुनाफिक जाहिल जलील, मुझे आप ये बताएं कि परदेसी भाई हमारे चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि हमारे साथ कुछ रियायत करें, हमारे लिए कुछ रिलीफ, लेकिन उनके लिए नहीं, उल्टा उनको 1100 का टिकट 1821 में कराया। जुल्फी बुखारी तेरे तभी लानत राजा। दोस्तों गर्मी काफ़ी है, मेरा हलक है, गुस्से से भी जो है ना खुशक हो गए हैं, साथ साथ में आप ये देखते जाएं, ये वो बुनियादें हैं जिसमें कौम के 10 करोड़ ज़ाया हुए हैं। ये देख ले ये बुनियादें। पुलिस का एक आला अफसर मुझे इस यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग करने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की सरपरस्ती में ये बन रहा है। दोस्तों कुछ बातें पर्सनली आप लोगों से मैं और भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ करना चाहता है ना, जब तक उसका फैमिली उसका साथ ना देना तो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं अफसोस से बड़ी आजिज़ाना और दिल की जो है ना करबनाक ले जैसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ हक की बात बोलने के लिए मेरे साथ खड़ी नहीं होती। अदलत अदा वीडियो नहीं सच जाओ सजदा वो कमा सबाब उदल तक। मैं एक सजदा करना चाहता हूँ यहाँ पे इस मिट्टी पे, क्योंकि यहाँ पे जब मंदिर बनेगा तो यहाँ पे घुंघरों की आवाज़ें आएगी। सदा वो नहीं सच जाओ सजदा वो कमा ब्याह बदी न्याजी खनजीर पर हुकूमत के सजदा में शुक्र बोले। یالله مونږ مافتي مونږ دې خنزیر ته ووټ ورکو ته مونږ مات یا رب العالمین دا مونږ دې راتلون کې نسل توبه کوم بیا چاته وو یالله ته مونږ ګناه کبیره معاف کې ته مونږ ګناه معاف کې چلا خوښ شو چلا حاضر مونږ دې خنزیر ته دې لپاره ووټ ورکړو چې دې د مونږ ته هغه جوړ کی مندري جوړی کی خوښ شو جی بھائی क्या कर रहे, वीडियो बना रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मंदिर बनाने की इजाजत किसने दी है? तो आप कौन होते मेरे से पूछने वाले? वो तो मालकों ने कहा यार इधर किसी बंदे को आने ना दे। अच्छा, इसलिए कि मंदिर बन रहा है, ठीक है। पाकिस्तानियों ना तो मैं डरने वाले दिन पैदा हुआ हूं और ना मेरे रगों में डरने का एक जर्रा बराबर रत्ता भी जो है ना कुछ है, लेकिन ये काम सिर्फ मेरा अकेला नहीं, लाड़ी में गर्मी डेर ज्यादा था, ये मेरा काम अकेला नहीं, हम मुतहिद होंगे, हर जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, हर काफिर के खिलाफ खड़े होंगे, तब हम जाके कुछ करेंगे। आओ H9 में हमारे साथ रहो, मैं यहीं का मुकीम हूँ, इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। जो भी सोशल एक्टिविस्ट ऐलान करेगा इंशाल्लाह मुझे सबसे पहले सिफ्ट में खड़ा पाएगा। मेरा काम था दोस्तों, मेरे से बात नहीं हो पाती, मेरा हलक खुश्क है, गर्मी बहुत सख्त है। अब से कुछ देर पहले कुत्ता आया था, उसने मुझे मना किया था वीडियो बनाने से मुझे मना किया था। और एक और यहाँ पे जो है ना पता नहीं कोई पूजा पाठ करने वाला होगा यहाँ का ठेकेदार, जिसने मुझे मना किया। मैं इनके मना से और ना किसी पुलिस वाले से ना डरने वाला हूँ, लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं, जो भी सोशल एक्टिविस्ट ऐलान करेगा इंशाल्लाह मुझे अपने उसके खिलाफ सबसे पहले सिफ्ट में खड़ा पाएगा। अब तमाम दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है, मैं ना लाइक का भूखा हूँ, काफ़ी अरसे से मैं वीडियो भी इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि ना तो इस मुल्क में कानून है ना कोई हुकूमत है, अगर है तो सिर्फ गरीब के लिए है। मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ, था, अब नहीं, क्योंकि जब बात मेरे मज़हब की आती है मैं अपने बाप को भी नहीं जानता। अब तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है आजिज़ाना,
उठ खड़े हों, इस मंदिर के खिलाफ खड़े हों, 10 करोड़ रुपए जो नियाजी कुत्ते ने इसको दिए उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, उस परदेशियों के लिए 1100 का टिकट 1821 में और हिंदुओं के लिए मंदिर 10 करोड़ में। अल्लाह पाक पाकिस्तान में मौजूद हो, उन तमाम यहूदियों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह पाक उन तमाम, अगर हिदायत उनके किस्मत में नहीं है, अल्लाह पाक उनको नीस्त नाबूद करे। और अल्लाह मेरे गुनाह कबीरा 2018 में ज़िंदगी का पहला वोट देने कबीरा गुनाह को माफ़ कराएं। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगा, तब तक आता रहूँगा जब तक मेरे वजूद में सांस हो। खड़े हो जाएं, उठ खड़े हों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मंदिर बनने वाले, हमारी आने वाली नस्लें हम पे लानत भेजेंगी कि जब ये मंदिर बन रहा था तुम जैसे लोग कहाँ थे, फेसबुक में, सिर्फ अपने घरों में नहीं। उठ खड़े हो, अमली तौर पे खड़े हो जाएं, चाहे नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था, चाहे इमरान खान ने इसकी बुनियाद रखी, उठ खड़े हो, अपने मजहब से आगे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।